सोते हुए शेर है विराट सेना के जामबाज, हल्के में लेने की न करें भूल। क्रिकेट में खास और से टी डट में जब तक आखिरी गेंद न फेंक दी जाए मैच को खत्म हुआ नहीं माना जाना चाहिए। इंडियन टी डट लीग का आधा सफर पूरा होने तक हमें कई मैच आखिरी गेंद और आखिरी ओवर में खत्म होते देखने को मिले हैं। शनिवार को बेंगलोर मोहाली में पंजाब से भिड़ेगी, ऐसे में उन्हें कम समझना बड़ी बेवकूफी हो सकती है। उन्हें दौड़ में बने रहने के लिए बाकी 8 मैचों में जीत की जरूरत है, लेकिन वे अन्य टीमों का खेल बिगाड़ सकती है। आर अश्विन और उनकी टीम इस बात को भली भांति जानती होगी। मुंबई के खिलाफ आखिरी गेंद पर हार झेलने के बाद वे अपने घरेलू मैदान में वापसी कर रहे हैं। मेहमान टीम बेंगलोर को सभी विभागों में अपने खेल के स्तर को ऊंचा करना होगा। पंजाब को क्रिस गेल और मयंक अग्रवाल की वापसी की उम्मीद होगी। गेल की पीठ में थोड़ी समस्या है और अग्रवाल पिछले मैच में उंगली की चोट की वजह से नहीं खेले थे। विराट कोहली और उनकी टीम का पंजाब के खिलाफ जीत से आत्मविश्वास बढ़ेगा। इस टीम को वापस घरेलू मैदान में लौटने से पहले 2 मैच और खेलने हैं। दूसरी तरफ राजस्थान को आखिरी गेंद पर चेन्नई के हाथों मैच मंगवाने के बाद अब मुंबई में खेलना है। प्लेऑफ की उम्मीदों को जीवंत रखने के लिए उन्हें जल्द से जल्द चीजों को ठीक करना होगा। अब तक उन्होंने सिर्फ बेंगलोर को ही हराया है। हालांकि बेंगलोर की तुलना में अजिंक्य रहाणे की टीम के कई मुकाबले बेहद रोमांचक रहे, लेकिन वे उसे सही ढंग से खत्म नहीं कर पाए। मुंबई टीम अब लगातार 3 मैच जीत चुकी है और वे आगे भी इस लय को कायम रखना चाहेंगे, मगर इसके लिए उन्हें कार्यवाहक कप्तान कीरोन पुलार्ड से एक बार फिर पिछले मैच जैसी पारी की जरूरत पड़ेगी। उन्हें उम्मीद होगी कि उनकी बल्लेबाज फिर से रन बनाना शुरू करेंगे। विकेटकीपर ओपनर क्विंटन डिकॉक और कप्तान रोहित शर्मा इस मैच में वापसी कर सकते हैं और उन्हें रन बनाने होंगे। मध्यक्रम में खास और से सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन को भी अपनी भूमिका निभानी होगी।